हरे कृष्णा। उत्पन्ना एकादशी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हम कोई भी व्रत नहीं कर सके कोई बात नहीं, लेकिन हमें एकादशी अवश्य करनी चाहिए। अगर हमसे निर्जल नहीं हो सके, सजल नहीं हो सके, फलाहारी नहीं हो सके, तो भी हमें अन्न का त्याग करना चाहिए। कुछ भी कुट्टू के आटे की, आलू की, कुछ भी सब्जियां वगैरह बना के, पूड़ियाँ वगैरह बना के, खीर वगैरह बना के खाइए, लेकिन अन्न का त्याग कीजिए। तो ये मेरा एकादशी का रूटीन है। मैं क्या क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं उठ के भगवान का मतलब उठाती हूँ इनको और अभिषेक करती हूँ, और पंचामृत अभिषेक करती हूँ, और अगर फल वगैरह रहते हैं तो मेरे पास में फलों का अभिषेक करती हूँ। तो सबसे पहले आइए अभिषेक करते हैं भगवान का और भगवान की मंगला आरती करते हैं। अभी सर्दियां हैं तो भगवान को वुलन वस्त्र ही पहनाएंगे। ये मैंने थोड़ी इत्र से सेवा कर दी है, जिससे कि इनके मतलब थोड़ा सा बॉडी के अंदर गर्म, एक तरह से अच्छा लगे इनको। और अब गर्म कपड़े पहना देंगे, टोपी ओपी लगा देंगे भगवान जी के, और इनको बिठा देंगे। फिर करते हैं आरती। मेरे पास में मतलब राधा रानी का भी विग्रह है, तो मैंने इनको भी स्नान करवा दिया है और इनको भी वस्त्र पहना दिया है, सबको तैयार कर दिया है। भोग लगा देते हैं, दूध रख देते हैं इनके, और मंगला आरती कर देते हैं। और उसके बाद में मैं जाऊंगी, मेरे पास में ही मंदिर है, मंदिर जाऊंगी, प्रभात फेरी में जाऊंगी, और बाज़ार से सब्जियां वगैरह लाएंगे, क्योंकि सर्दियां शुरू हो चुकी है। तो भगवान के पहले गाजर का हलवा बना के, मतलब इस सर्दी का पहला गाजर का हलवा बनेगा, वो बना के और भगवान के भोग लगाएंगे और थोड़ी सी गऊ सेवा करेंगे। विग्रहस्य गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि।
अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमधुर्लभमात्मभक्तौ गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गाजर को अच्छे से किस लिया है और पहले मैं क्या करती हूँ, इसका पानी पूरा मतलब थोड़े से फ्लेम में, लो फ्लेम में गर्म करके और पूरा पानी ख़त्म कर देते हैं और इसमें घी डाल के और अच्छे से सेक लेते हैं। और फिर इसके अंदर मैं डालूँगी दूध और दूध की मलाई, बहुत सारी मलाई मेरे पास में ताज़ा रखी हुई है, वो डालूँगी। मैं बाज़ार से मावा वगैरह कुछ नहीं लाती हूँ, जहाँ तक होता है भगवान का भोग घर के सामान से ही बनाती हूँ। तो मलाई रखी हुई है, मलाई अच्छी भी लगती है और ये शुद्ध गाय का घी है। ये डाल के इसको अच्छे से सेक लेंगे और फिर दूध डालूँगी मैं इसके अंदर। यहाँ पे मैं बना रही हूँ दही वाली आलू की सब्जी। मैं क्या होता है, एकादशी के दिन टमाटर अवॉइड करती हूँ, तो सबसे पहले आलू को बॉईल कर लिया, इसमें मतलब हरी मिर्च डाल दी और आलू को अच्छे से फ्राई कर लिया और अब डाल देंगे दही। इसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो ही मैं देख के बना रही हूँ अभी। तो ये बहुत बड़ी टेस्टी लगती है, व्रत के दिन अच्छी लगती है। ये देखिए वीडियो देख देख के ही बना रही हूँ मैं। और ये देखिए ये येलो कलर इसलिए हो गया कि अभी कच्ची हल्दी आ रही है ना, तो वो किसके डाला मैंने, तो मेरी सब्जी भी तैयार हो गई है। अब भगवान जी के लिए थोड़ी सी बना लेते हैं पूड़ी, कुट्टू के आटे की पूड़ी बनाऊंगी। हलवा भी मेरा तकरीबन रेडी हो गया है, बस इसको अच्छे से सेक लेंगे और मतलब चीनी वगैरह डाल देंगे, अच्छा सा घी डाल देंगे और हलवा तैयार हो जाएगा हमारा। और पूड़ी बना लेते हैं क्योंकि मेरे को मंदिर में भी देना रहता है ना टिफिन, और सब लोग व्रत करते हैं तो जो खाने वाले हैं वो खा लेते हैं। खाना बिल्कुल नहीं बनता है इस दिन, एकादशी के दिन मेरे घर पे। तो इस तरह से मैं एकादशी का व्रत का पालन करती हूँ और जहाँ तक हो सके कुछ अच्छा नेक काम करिए ज़रूर, क्योंकि इतना बड़ा त्यौहार है, एकादशी है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और कुछ चीज़ें मतलब आपको अगर भूख लगती हो, कुछ भी होता हो, एकादशी का पालन अच्छे से नहीं कर पाते हो, तो अन्न का त्याग तो ज़रूर कीजिएगा। ये मेरा भोग रेडी हो गया, भगवान जी के भोग लगा देते हैं।